क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रिजल्ट, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची मध्य प्रदेश भोपाल। देखते हैं चाय की चौपाल की खबर मध्य प्रदेश भोपाल। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। हम अभी भोपाल में मौजूद है, हमारी चाय की चौपाल आज भोपाल पहुंची हुई है। हमारी पूरी टीम चाय की चौपाल की भोपाल में पहुंची हुई है। हम अभी मानव संग्रहालय के पास है, जहां पर आप देख सकते हैं पीछे मेरे झील है। भोपाल है ये जो है एक झीलों के शहर के नाम से भी प्रसिद्ध है। हम यहां पर किस मद्देनज़र यहां पर आकर जुड़े हैं, हमने किस तरह का सोचा है, हम क्या सोच रहे हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ पर हम लोगों की प्रतिक्रियाएँ जानने की कोशिश करेंगे। इवन इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हवा का रुख किस ओर है, चुनाव के मद्देनज़र लोग किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं अपने उम्मीदवार से। अभी लोकसभा के चुनाव है, यहाँ पर इलेक्शन है, तो आप वोटिंग करेंगे? आप वोटिंग तो करेंगे। आपको क्या लगता है आपका उम्मीदवार किस तरह का होना चाहिए? नेता होना चाहिए मोदी जैसा। मोदी जैसा। लोकसभा के चुनाव है अभी, आपका नेता किस तरह का होना चाहिए? हमारा नेता सबके लिए सोचे, देश के लिए सोचे, ऐसा नेता होना चाहिए। ऐसा कौन सा नेता है? नरेंद्र मोदी। आपके यहाँ पे चुनाव है अभी लोकसभा के, आप वोटिंग करेंगे? हाँ। आपका नेता किस तरह का होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो हमारे देश को आगे बढ़ाए। तो आपके नज़र में कौन है ऐसा नेता? अब वैसे स्पष्ट रूप से तो मैं बोल नहीं सकती, ये तो सीक्रेट ही रहेगा। अभी आपके यहाँ पे इलेक्शन है लोकसभा के, आप वोटिंग करेंगे? बिल्कुल वोटिंग करेंगे। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए, कि क्या अपेक्षाएं हैं अपने नेता से? अच्छा होना चाहिए नेता, जो काम करेगा उसने चुने आएंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सा नेता काम कर रहा है? वो तो देखा जाएगा, जैसा माहौल बनेगा उस हिसाब से देखा जाएगा। भैया लोकसभा के इलेक्शन है अभी, आप वोटिंग करोगे? वोटिंग करेंगे। वोटिंग करना। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए? मोदी सरकार जैसा होना चाहिए। अभी आपके इधर लोकसभा के इलेक्शन है, तो आप वोटिंग करेंगे? करेंगे ना। आपका नेता कैसा होना चाहिए? बोला ये है कि नेता किस तरह का होना चाहिए, जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है वो बंदा कैसा होना चाहिए, हमारे राज्य को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसा होना चाहिए? वोटिंग करेंगे लोकसभा में? जी बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे अभी इलेक्शन है लोकसभा के, आप वोटिंग करेंगे? जी मैम। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए? जो काम कर सके। तो आपको क्या लगता है कैसा, कौन सा नेता है यहाँ जो काम कर रहा है? अभी 5 साल मोदी जी को हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कांग्रेस को भी दें मौका, देना चाहिए। तो आप क्या किया है यहाँ? बहुत कुछ किया है, 1978 से काफ़ी प्रोग्रेस है, बहुत प्रोग्रेस है। तो इस बार फिर से उन्हीं को देंगे, तो मोदी सरकार ने काम नहीं किया मेरे हिसाब से? बिल्कुल नहीं किया। वोटिंग करेंगे? आई एम अंडर 18। अंडर 18। आप अंडर 18, तो आप वोटिंग करेंगे? नहीं, वोट करने से फ़ायदा ही नहीं होता। क्यों फ़ायदा नहीं होता? कांग्रेस को तो बीजेपी को चला जाता है। कांग्रेस को तो बीजेपी को चला जाता है, ऐसा हुआ है यहाँ पर? यही होता है यहाँ पे, और कुछ होता ही नहीं। जी अभी इलेक्शन है, तो आप वोटिंग करेंगे? यस मैम, ऑफ कोर्स करेंगे। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए? मोदी जैसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी मोदी, मोदी जी मैम, मोदी चाहिए हमें तो, बिल्कुल दूसरा देश के देश के साथ जो खड़ा है वो मोदी है, और पार्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चुनाव है, आप वोटिंग करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। आपका नेता कैसा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। अभी लोकसभा के चुनाव है, आप वोटिंग करेंगे? जी सर। आपका कैसा होना चाहिए नेता? नेता जो हमारे लोकल के मुद्दे उठा सके, और जो एनवायरनमेंट के मुद्दे उठा सके, जो सबसे बड़ा ग्लोबल लेवल पे सिनेरियो चल रहा है, यस वही नेता चाहेंगे, जो करप्शन कम करे सरकार में बैठ के। करप्शन तो सारी पार्टियाँ करती हैं, पर हम कुछ हमारी जो बातें हैं, जन जन की बातें, उसको सुन सके, लोकल लेवल में आ सके, ऐसा ना कि 5 साल वोट देने के बाद अगले 5 साल बाद ही दिखे। तो आपको क्या लगता है भोपाल में ऐसा कौन सा चेहरा है? भोपाल में ऐसा कौन सा शहर है? चेहरा है। फिलहाल तो इधर से तो साध्वी जी के उतारने का नाम चल रहा है, और एक तरफ अब दिग्विजय सिंह के उतारने का नाम चल रहा है, हाँ उनका कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल दोनों ही लोग मेरे को ऐसा ही लगे कि उन्होंने कुछ किया है। किसी तीसरे को वोट करेंगे? नहीं, वोट तो एक्चुअली मैं अभी ऑल ओवर इंडिया का चुनाव है, उसको देखते हुए मैं बीजेपी को वोट दूंगा। ऐसी वोटिंग अच्छा नहीं होती करने के लिए। क्यों नहीं होती, कोई तो कारण होगा? नहीं कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही है, वैसे मन नहीं करता, जैसे कि अभी वैसे पानी भी नहीं है तालाब में,
और कुछ तो अभी वैसे पहले तो कुछ ज़्यादा ही सूखा हुआ था, अभी तो सूखा भी नहीं है वैसे तालाब, नहीं तो पिछली बार तो बहुत सूख गए थे तालाब। कुछ शिकायत है गवर्नमेंट से? नहीं, किस चीज़ से शिकायत नहीं है हमें। फिर क्यों वोटिंग नहीं करेंगे? बस ऐसे ही मन नहीं करता, दुकानदारी से हम लोग फुर्सत नहीं मिलते, ये रहता है। आप अगर दुकानदारी को बढ़ाना चाहते तो आपको तो वोट करना चाहिए। करने वो करते हैं भैया, क्या कर सकते हैं हम बड़े। अभी लोकसभा के चुनाव है यहाँ पर, तो आप वोटिंग करेंगे? जी ज़रूर करेंगे। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा ही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जो देश के लिए अच्छी सोच रखने वाला होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर ऐसा कौन सा नेता है? अभी भविष्यवाणी तो नहीं कर पाएंगे, पर देखते हैं अभी किस्मत किसका साथ देती है। अभी लोकसभा के चुनाव है, आप वोटिंग करेंगे? एक्चुअली मैं यहाँ से हूँ नहीं, तो आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ वोटिंग? हाँ बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो आप किस तरह से देखते हैं अपने नेता को? अभी तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज किसी से हमें कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, है नहीं। हाँ तो लेट्स सी। अभी लोकसभा के चुनाव है, आप वोटिंग करेंगे? जी बिल्कुल। आपका नेता कैसा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जैसा। आपकी बार किसकी सरकार? सब लोग बीजेपी। प्लीज़ सब लोग जाके वोटिंग कीजिए, आपका सबका अधिकार है ये सब, प्लीज़ जाइए वोटिंग कीजिए। लोकसभा के चुनाव है, अभी वोटिंग करोगे? हाँ करेंगे ना। आपका नेता कैसा होना चाहिए? मेरा नेता अपने क्या नाम है, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जैसा होना चाहिए। अभी लोकसभा के चुनाव है, वोटिंग करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, क्यों नहीं। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए और हमारे इसकी प्रोग्रेस होना चाहिए। आपको क्या लगता है भोपाल में कौन है ऐसा? वैसे हम लोग भोपाल में नहीं रहते, हम बैतूल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो वहाँ पर भी तो वोटिंग करेंगे, तो वहाँ पर कौन है और कौन जीत सकता है? जनता ही जीतेगी। वोटिंग करेंगे? जी बिल्कुल। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए? देश को आगे बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? भाजपा। लोकसभा के चुनाव है, अभी वोटिंग करेंगे? जी। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, मोदी जैसा। अभी लोकसभा के चुनाव है, तो आप वोटिंग करेंगे? करेंगे मैडम। आपका नेता कैसा होना चाहिए? वो सही होना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सा नेता सही है? जो चल रहा है उसको जानना है। लोकसभा के चुनाव है, अभी वोटिंग करेंगे? जी। आपका नेता कैसा होना चाहिए? मोदी, राहुल गांधी। लोकसभा का चुनाव है, अभी वोटिंग करेंगे? हाँ करेंगे ना। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। किसके जैसा होना चाहिए? वही अभी हाथ का कमल का फूल। कमल का फूल। अभी आपके लोकसभा इलेक्शन है, तो वोटिंग करेंगे? वोटिंग करते ही करना, वो तो जरूरी है भाई वोटिंग करना। आपका नेता कैसा होना चाहिए? मोदी जैसा ही होना चाहिए। वोटेंगे लोकसभा में? वोट हाँ। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए? इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते? अच्छा काम करेगा और चुन के आएगा। हाँ ये सब लोग चुनेंगे, मतलब उसी को। लोकसभा का चुनाव है, अभी आप वोटिंग करेंगे? जी हाँ, उनको देंगे हम, शिवराज सिंह चौहान को, फिर डबल से बीजेपी वाले को। हाँ मोदी साहब को देंगे, है तो अपन कमल के इंसान ना। कमल के इंसान बिल्कुल। मोदी आपकी बात, मोदी सरकार। लोकसभा के चुनाव है, अभी इलेक्शन करेंगे? हाँ वोटिंग करेंगे। करेंगे। तो आपका नेता कैसा होना चाहिए? ईमानदार, अच्छा, जो गरीबों का विकास करे। तो आपके नज़र में ऐसा कौन सा नेता है? अरे हम यूपी के हैं, एमपी के नहीं हैं, तो हम यूपी के बारे में बता सकते हैं ना? बताइए। अरे फिर भी यूपी में तो मान के चलिए, इस समय हम तो जनसत्ता पार्टी के हैं, अभी नई पार्टी उभर के आई है जनसत्ता पार्टी, प्रतापगढ़ कुंडा से, तो हम उन्हीं पे वोटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोकसभा चुनाव के अभी इलेक्शन से आप वोटिंग करेंगे? करेंगे ना सर। तो आपका वोट कैसे लोक प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे? तो अच्छा काम करे। तो आपको क्या लगता है कौन अच्छा काम करे? इस बार कांग्रेस को ही चांस देंगे। यह है मध्य प्रदेश भोपाल लोकसभा क्षेत्र का जनता का हाल। वोट किस करवट बैठेगा इसके नतीजे आने पर ही